देखा है, पता है लेट हुई, इसमें काफ़ी लेट हो गया, बल्कि 4-5 महीने का गैप हुआ है इस वीडियो में। सो इससे पहले कि वीडियो को पूरी तरीके से स्टार्ट करूँ, एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ अगर आपको अपने रहने के लिए होटल वगैरह चाहिए तो उसके लिए प्रेफरेबल यही है कि ऑटो वाले से मत पूछना, टैक्सी वाले से मत पूछना, उनका कमीशन फिक्स होता है, वो काफ़ी बुरे कई बार होटल्स बता देते हैं। अभी मैंने होटल पर ढूंढा नहीं है, जब ढूंढूंगा तो मैं वही बताऊंगा और बता दूंगा कैसा है। सो इन दिस वीडियो में भी मैं आपको ना दिखूँ, बिकॉज मैंने उसमें ज़्यादा जो बोलने का काम है वो मैंने बाद में ऐड करा है उसको, अभी नहीं करा क्योंकि कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलने में और पता भी नहीं होता क्या बोलना है। तो देखना और वीडियो को बताओ कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की एक ऐसी चीज़ की जो आपको हर जगह मिल जाएगी, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह कब्जा है यार इसका। मतलब तुम थोड़े से आगे बढ़े नहीं तुरंत ट्रैफिक मिलता है, इतना ट्रैफिक, मतलब इतना तो घर नहीं बने इतना तुम्हें ट्रैफिक मिलता है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ट्रैफिक नहीं मिलता, नहीं, दिल्ली में ट्रैफिक मिलता है, लेकिन दिल्ली में फ़र्क है, दिल्ली में गाड़ियाँ उल्टी सीधी चलती हैं इस वजह से ट्रैफिक बढ़ता है, ठीक है। बट यहाँ मुंबई में गाड़ियाँ नहीं फंसती, पूरे ट्रक आग से फंसते हैं, पूरे ट्रक देखो ये सफ़ेद गाड़ी वाले देख लें, 15 मिनट का जाम लगाए इस बंदे ने, शर्म कुछ नहीं भाई, कह के निकल लेंगे एकदम अचानक से। फिर एकदम जब तुम्हें खाली रोड मिलती है यार, ऐसा लगता है जन्नत मिल गई यार, भगाड़ा। लेकिन तुम्हारा ड्राइवर रूल्स को फॉलो करना ठीक है, लेकिन अब गाड़ी में बैठे बैठे तुम सब एक काम कर सकते हो, सिर्फ एक काम, आगे जूम करके आगे वाली आंटी को देखना, बस खत्म, इसके आगे दुनिया खत्म हो जाती, कुछ दिखता ही नहीं आगे। अरे भगाता हूँ भगा, खाली है रोड यार, अब तो भगा ले। फिर रुक गए, और सिर्फ गाड़ियाँ एक रीज़न नहीं है, यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ के ट्रैफिक के लिए। फिर रुक गए, वेल अब ट्रैफिक से आगे बढ़ते नहीं, जो जैसे मैं इस ट्रैफिक से परेशान हूँ उतना ही परेशान तो मुझ लोग मुझसे हो गए, इसलिए इससे हटते ही आगे बढ़ते हैं। अरे यार अब तो महले यार, अब तो खाली भी है, अब तुम लोग कहोगे कि लोकल ट्रेन का क्या इतनी इस्तेमाल करता है, लेकिन भाई देखो मेट्रो में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ की लोकल ट्रेन में भसड़ मचती है, भसड़ गंदी वाली, राजीव चौक फेल है, फेल। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं होटल के बारे में कि रहना कहाँ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि रहना कहाँ है, तो गाइस उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कालवा देवी, एक एरिया है ये जहाँ पे आपको होटल्स मिल जाते हैं। और अगर और एरियाज़ के बारे में आपको बात करना है तो दादर और वडाला भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ आपको सस्ते में मिल सकते हैं अच्छे होटल्स, बट कालवा देवी मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा बिकॉज वहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया हो गया या VT हो गया या फिर अपना मरीन ड्राइव हो गया, ये सभी साइट्स में पास में है, तो सजेस्टेबल वही रहता है मेरे लिए। और मुझे जो कालवा देवी में कमरा मिला था सबसे सस्ता वो था 2900 रुपये का, जो मैंने लिया था जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट था। वो होटल का अगर आप नाम जानना चाहेंगे तो वो है आदर्श प्लाजा। सो गाइस ये है मेरा कमरा जो मुझे कालवा देवी में मिला था, जो होटल था मेरा आदर्श प्लाजा। मुंबई में आपको इतना ही बड़ा कमरा मिलेगा और इसकी प्राइस थी 2900 रुपये एक दिन की, सो डिसेंट कमरा था, आई मीन अच्छा ठीक ठाक था कमरा। गाइस दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि आपको पहले ही बहुत कुछ पता है इस जगह के बारे में। वेल इसके ठीक सामने आपको ताज होटल दिख जाता है, उसके ठीक बगल में ताज की नई बिल्डिंग। सो आपको गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक बैक साइड से आपको कुछ बोट्स मिल जाती हैं, डबल स्टोरी बोट्स, जो आपको एक समुंदर पे एक चक्कर लगाती हैं, और वो एक्चुअली आपको सामने एक आइलैंड टाइप लग रहा होगा, वो एक नेवी का ऑफिस है, वहाँ तक वो आपको बोट्स लेके जाती हैं, एंड बोट्स के 60 रुपीज़ पर पर्सन वो लेते हैं, एंड अगर आपको ऊपर बैठना है तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, तो मेरे ख्याल से वर्थ है क्योंकि आपको ऊपर से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं।
ये है मरीन ड्राइव, और ये जगह आपको अभी भी खाली नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठ ही रहते हैं, कुछ लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, इनफैक्ट दोपहर में भी लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे होते हैं, पागलपन होते हैं। और इसके अगर आप जो बैठने की जगह उसके पीछे देखेंगे तो सीधा आपको समुंदर दिखता है, जो व्यू काफ़ी अच्छा आता है। दिन में तो यहाँ लोग भसड़ की तरफ भरे ही रहते हैं गाइस, लेकिन रात में मतलब यहाँ पे चलने का मज़ा ही अलग है। मैं चला तो मतलब सब तरफ लाइट है, अंधेरा नहीं होता है, बगल में समुंदर की आवाज़ें आ रही हैं, हवाएं चल रही हैं ठंडी, लेकिन ठंड नहीं लग रही है। सबसे बढ़िया मुंबई में ठंड नहीं लगती। एंड दिस इज सिद्धि विनायक टेम्पल, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, मैंने इसके देखा। ये गाइस अंदर का व्यू है इसके, इसके बाद कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो ये लास्ट है जहाँ तक मैं कैमरा ले। सो गाइस ये है महालक्ष्मी टेम्पल। सो किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे देवी माता का कमल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों ने भी एक फूल ले लिया। एंड पहले ये जो मंदिर है ये समंदर के बिल्कुल बगल में बना हुआ है, बट पहले इसमें समंदर दिखा करता था पीछे से, बट अब उसको पैक कर लिया गया है, तो समंदर तो नहीं देख पाए लेकिन मंदिर जरूर देख लिया। सो भाई इससे ज़्यादा आगे कैमरा नहीं जाएगा, यहाँ तक ही कैमरा ले जा सकता था। सो ये है इस्कॉन टेम्पल ऑफ मुंबई। सो ये पहला इस्कॉन टेम्पल मैंने देखा जिसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सो गाइस ये है हैंगिंग गार्डन। यहाँ के बारे में क्या बोलूँ, मतलब आप यहाँ आते हैं तो वैगन रोड, नहीं तो आप ऐसा कुछ खास मिस नहीं करोगे यहाँ ना आकर, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास मुझे तो नहीं दिखा जो मैं कहूँ कि यहाँ पे आना ही चाहिए आपको। बाकी अगर बोट हाउस की बात करें तो वो इस गार्डन के ठीक सामने ही होता है, लेकिन वो क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए वो बंद है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। वैसे तो मुंबई में दो बीच हैं, एक चौपाटी बीच और एक है हमारा जुहू बीच। दोनों में डिफरेंस बस ये है कि जुहू थोड़ा सा क्लीन है, थोड़ा साफ रहता है, और यहाँ थोड़ी सी गंदगी है कंपेरेटिवली। सो ये है मुंबई सीलिंग, काफ़ी अच्छा बना हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि इधर भी समंदर बीच, समंदर बीच में रोड जा रही है, काफ़ी अच्छी मतलब अच्छा लगता है इस पर जाना। और ये आपका जब आप जुहू जाएंगे, जुहू बीच के लिए निकलेंगे कालबा देवी या अपना मरीन ड्राइव वगैरह से, तो ये रास्ते में पड़ता है। अगर आप ओला उबर से जा रहे हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप जुहू जा रहे हैं तो आप इसी सीलिंग से जाइएगा, बिकॉज कई बार वो नॉर्मल रोड से जाने के लिए आपको आपसे कह देते हैं, आपकी एक्चुअली चॉइस रहती है कि आपको इससे जाना है या उससे जाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीलिंग से जाइए, बिकॉज इससे आपके करीब 100 रुपीज़ बच जाएंगे ब्रीफ करियर उस पर। अगर आप नॉर्मल रोड से जाएंगे तो उस पर आपको ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे और उस पर आपको कोई टोल भी नहीं लग रहा है, बल्कि इसमें 60 रुपीज़ का टोल देने के बाद भी आपके 100 रुपये बच जाते हैं, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी सारे जो कैब ड्राइवर्स हैं वो आपसे मना करेंगे कि नहीं अच्छा नहीं बनाया, उस पर ट्रैफिक रहता है, बहाने बनाएंगे काफ़ी सारे, मैंने भी काफ़ी सारे बहाने सुने इन लोगों के। सो उन पर ब्लेम मत करना गाइस, जाना अच्छा बना हुआ, एक साइट सीन भी हो जाएगा आपके लिए और सस्ता भी जाता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर कुछ उसमें फीडबैक है आपको तो कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही थे, वो तो इम्पोर्टेंट है, उसमें चॉइस नहीं है।